वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ा एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है कि बुहाना की माटी में जन्मे सुमित शर्मा, जो कि बुहाना लोकगीत के बड़े कलाकार हैं और देश और दुनिया में इन्होंने अपनी कला के माध्यम से हरदा जिले का नाम रोशन किया है और अभी हाल ही में प्रसार भारती में इनका चयन हुआ है, इनको बी कैटेगरी मिली है। और यह बहुत ही बड़ी बात है कि हरदा जिले में हमारे यहाँ का जो कलाकार है सुमित शर्मा, इनकी आवाज देश और दुनिया में गूंजेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। नमस्कार। जैसे कि हम जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बुहाना की पहचान पूरे भारत में बने, और बुहाना जो है वो निमाड़ का छोटा भाई है। बुहाना, निमाड़, मालवा, मैं इनको तीनों को भाई समझता हूँ। और मध्य प्रदेश में 6 प्रादेशिक बोलियाँ बोली जाती हैं, मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेली, भीली और गोंडी। तो इसमें हम निमाड़ी पर काम कर रहे हैं। और हमने कोरोना काल में भी जब सब लोग घर पे थे तो फ्री, तो हम घर से ही लाइव होते थे, और लाइव होते होते सिलसिला ऐसा चला कि हमने विश्व के 166 देशों में, वहाँ की संस्थाओं में इस अपने लोक गायन को प्रसारित किया, उसका प्रचार किया, और लोग उससे जुड़ते गए, उन्हें अच्छा लगा और हमें भी खुशी मिली उससे। अभी जो प्रसार भारती में आपका चयन हुआ है तो ये हरदा की आवाज कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ? हरदा की आवाज को हमने पहले लोकल में बहुत से प्रोग्राम किए, हर गांव गांव में जाकर के, हर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में हमने प्रोग्राम किए, प्रस्तुतियां दी है। फिर लोग जुड़ते गए, मिलते गए। फिर मैं जॉब के सिलसिले में भोपाल चला गया, वहाँ पर कलाकारों से मेरी पहचान हुई और उन्होंने हमारी कला को देखा। और मैं लिखता भी हूँ और म्यूजिक कंपोज भी करता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो उन लोगों को अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि आप ऐसा कीजिए, और जो मार्ग उन्होंने बताया उसका, उस पर हमने उसका अनुसरण किया। और अभी प्रसार भारती के आकाशवाणी केंद्र भोपाल ने हमें बी ग्रेड से नवाजा है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश में कितने युवा कलाकारों को का चयन हुआ है? अभी देखिए, ये जो चयन प्रक्रिया, ये गोपनीय रखी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता कि कितने को, वो तो अपने पास कॉल लेटर आता है और वहाँ पर नाम भी नहीं बताया जाता है, अनुक्रमांक से ये सब चलता है, तो हम यह नहीं बता सकते कितने लोगों का चयन हुआ है। भवानी बोली के एक दो जो गायन आपने किया है, कुछ उनके नाम बताएंगे? हाँ, भवानी बोली के मैंने संत सिंघा जी का जो गीत है मृत्यु गीत, और जब अर्थी को ले जाते उठा करके, तो वो गाना जो गाया जाता है वो मैंने वहाँ पे गा के सुनाया था, तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। क्या संदेश देना चाहेंगे भवानी भाषा को लेकर अपने क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र को के लोगों का मैं भवानी भाषा को लेकर के यह संदेश देना चाहूँगा कि भाषा बोली को बोलने में कोई संकोच या कोई शर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मराठी भाषी लोग, गुजराती भाषी लोग, या तमिल, कन्नड़, या किसी भी क्षेत्र के लोग अपने अपनी भाषाओं को, बोलियों को बोलते हैं, तो हम अपनी बोली को बोलने में शर्म क्यों महसूस करते हैं? हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो आपस में भी हम हमारी देहाती बोली में, भाषा में बात नहीं कर सकते, जबकि फायदा यह है कि यदि हम आपस में अपनी बोली में बातें करेंगे तो सामने वालों को समझ में भी नहीं आएगी, हम अपनी पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। और यह भी बहुत अच्छी बोली है, बहुत मिठास है इसमें। जब हम भजन गाते हैं, गणगौर के गीत गाते हैं या संस्कार गीत गाते हैं, तो बहुत ही अच्छा सुहाना लगता है। हलूर गाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस परंपरा को बनाए रखें, इस बोली को जीवित रखें और आगे ले जाएं, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। साथ में जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी एक कमर्शियल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी सीखना जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमारी जो जन्मदात्री भाषा जो है भवानी, उसे ना छोड़ें, उसे साथ में लेकर के सारा काम करें, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। तो भाई सुमित शर्मा, युवा कलाकार हमारे साथ में थे, और भारतवर्ष के मशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी इनका सम्मान और इनकी तारीफ की है। और हमारे साथ में इनकी धनपत्नी है, वह भी कलाकार हैं,
उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार उनको आज लग रहा है कि उनके पतिदेव है उनका प्रसार भारती में चयन हुआ है। नमस्कार, मैं मिशा शर्मा निमारी लोक गायिका, और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे पति श्री सुमित शर्मा जी का आकाशवाणी भोपाल से चयन हुआ है निमारी लोक गायन के लिए। और मेरे पास शब्दों की कमी है, मैं क्या बोलूं। बहुत ही एक हरदा जिले के लिए गर्व की विषय है कि इतने छोटे से ग्राम गोंदागांव कला तहसील टिमरनी में खेती किसानी परिवार की जिम्मेदारियों को चलाते हुए कर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ा, अपनी लोक संस्कृति को सहेजते रहते हैं, मुझे भी मार्गदर्शन देते रहते हैं, मुझे भी सिखाते हैं, और लोक संस्कृति को हम दोनों पति पत्नी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं।